Hey, hi everyone, this is Furkan and you're watching our YouTube channel. So guys, this is day 2 from Kota. I am at Asharam's home, which is in the middle of the jungle. I will show you the mandir behind. I will not show the bakri because I have made a special dedicated video for them. If I show you, you will miss that video and skip that video. It is almost 5:30-6 o'clock. हम लोग अभी दूसरे गांव में जा रहे हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट एक एक अगर आपको जाना है किसी और के दूसरे इधर के कलेक्शन देखने के लिए तो ऑलमोस्ट 10 से 15 किलोमीटर दूर है। या इससे अपने को नॉर्मल वीडियो आती है तो आइडिया नहीं लगती, लेकिन एक एक घर में जाके वीडियो बनाना और वो भी 12 बजे से पहले करना पड़ेगा, नहीं तो अगर 12 बजे निकल जाएंगे तो बहुत ख़तरनाक वाली गर्मी लगेगी। तो अभी हम लोग एक नज़ारा देख लेते सुबह का। आंटी क्या बना रही है? ये क्या बना रहे? घी। घी? हाँ। रोज बनाते है? रोज बनाते जबरदस्त हाँ। है बाकी। आंटी चाय एक नंबर बनाया था, लेकिन सुबह चाय बहुत बढ़िया बनाए थे। चाय और रोटी राजस्थानी वालों का मतलब क्या हाँ अभी नहीं, कल कल जाऊंगा, कल परसों निकल जाऊंगा। तो पचा होगा ना। ये साइड में सारे बकरे हैं, खाली ऊपर ऊपर की जल्दी दिखाऊंगा कि पूरा जंगल है। अभी हम लोग बाइक पे निकल रहे हैं थोड़े टाइम में। आश्रम भाई भी तैयार हो रहे हैं अभी, माशाल्लाह घर भी देखेंगे अब, बेहतरीन घर है। हम लोग ऑलमोस्ट बारिश हुए थे क्योंकि जो मज़ा ऐसा सोने में है, हम लोग तो ऑलमोस्ट मैं बता देता हूँ यहाँ पर सोए थे, बाहर भी नहीं बोलूँगा मैं। कल रात में हमारा इंतजाम यहाँ पे था। खेल रहे थे उनकी बकरियाँ का बोलते ना, अभी सब छूट जाएंगी थोड़े टाइम में, बाहर निकल जाएंगे जंगल में घूमने चली जाएंगे। इनकी भी अलग से वीडियो बना दिया हूँ मैं, फिर भी आशा का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, क्योंकि ये हम लोग घूमने की वीडियो बना रहे, बकरी के लिए हम लोग स्पेशल अलग से बना देंगे। जहाँ तक देख रहे हो माशाल्लाह पूरी जगह आशाराम की, तो यहाँ पे जगह भी इतनी कुछ महंगी नहीं है, है अच्छी खासी सस्ती में ही है। आशाराम आया ये लोग का जाने का टाइम हो गया, देख सकते हो सीधा उसका खुद का ही जंगल है, इधर ही चले जाएंगे बराबर, आप ही शाम में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। बाकी सही में होता ये चूल्हे का खाना खाने का मजा ही कुछ अलग है। एक मिनट अरे अभी दिखा दिया मैं, वही तो बकरे निकल रहे वहाँ से पत्ते बित्ते एक नंबर। माशाल्लाह आश्रम की पलाई इतनी ज़बरदस्त है ना जंगल के हिसाब से, बहुत बेहतरीन पलाई है वो, लेकिन पालता नहीं है वो एक अलग बात है, किसी के बकरे रखता नहीं है। बाकी एक नंबर पाल रहा है, कल से मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट मेरे को 1.5 दिन होगा यहाँ पे रुक के, एक नंबर पाल रहा है बकरे। उनसे बाद में ये करेंगे अपन, और अनाज में जिसमें सुबह ही देता है, बाकी डिटेल में डाइट निकालेंगे अपन इंशाल्लाह। अभी हम लोग जंगल घूम रहे हैं, आचार हमसे पूछ लेते हैं भाई अपन कहाँ पे जा। आचार भाई कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह एकदम? गुड मॉर्निंग हो गया। बस अपन कंप्लीट है, निमट के जंगल जा रहे हैं। जंगल जा रहे हैं ना? बिल्कुल। बहुत बड़े बड़े बकरे देखने मिलेंगे? बिल्कुल बड़े बड़े बकरे देखने को मिलेंगे अभी। अच्छा तो कितने बजे तक आपको वापसी होगी अपनी? अपनी अपन वापस आएंगे 12 से 1 बजे तक। तो कुछ गर्मी मजबूत होगी ना? अब होगी तो होगी, क्या घूमना तो है। लेट हो गया अपने? लेट तो नहीं हुआ, अभी जाहिर तो है। सही है, तो अभी हम लोग बुलेट लेके निकल जाएंगे आशाराम भाई की। यहाँ से कितना किलोमीटर है?
किलोमीटर फिक्स नहीं है, जंगल है, जंगल चालू है, कितना भी घूमो। अबे बता तू, ये खाली आजू बाजू के आश्रम के जो गांव है ना उनमें ही बकरे मिलेंगे कोटा, बाकी पूरे कोटा में कोटा बकरे नहीं है। तो ये जो फेमस है इनका पूरा जंगल, जो आश्रम भाई का पूरा मतलब ये 30 किलोमीटर का रेडियस है पूरा, उसमें ही पूरे बकरे है कोटा के। बाकी पूरे कोटा में जाएंगे तो तुम्हारे को हर नस्ल मिलेंगे बकरे। बाकी इनको पूरी फैमिली लगी हुई रहती है, आप देख सकते हो। ये अपन सुबह के टाइम पे गेहूं देते हैं बकरियों को, एक ही टाइम देते ना, एक ही टाइम देते हैं गेहूं, बकरे को भी देते, बकरे को भी देते हैं, बाकी देते गेहूं है सब में, बाकी दूसरा अनाज नहीं ना। दूसरा लेकिन मैं सही में बताऊं ना आश्रम भाई बहुत जबरदस्त पलाई करते हो, लेते नहीं हो दूसरे के बकरे अलग बात है, लेकिन जो खुद के पालते हो ना बहुत अच्छा पालते हो। अभी अपन ने बकरा लिया नहीं है पलाई पे, बाकी कुछ भाई लोगों के बकरे महीने दो महीने रखे हैं ऐसे ही फ्री, तो उन्होंने यही बोला है कि भाई आप 12 महीने रखो ना, बाकी स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों बाद में रखेंगे, अभी रखना चालू है 6 महीने बाद, जब भी हमारा सेटअप कम्प्लीट हो जाएगा। सेटअप कुछ नहीं है, ऐसा ही हरे भरे गार्डन में बकरे खुलेंगे, यही मेन है, ज्यादा कुछ ये नहीं है, अनाज विनाज के ऊपर ये फर्स्ट टाइम अनाज है और लास्ट है इनका, बाकी अच्छा दिन डालते भाई। हाँ ठीक है, बाकी तो आप देख रहे हो दिन भर इसी में खुली रहती है बकरी, और सिर्फ और सिर्फ पत्ते पे पले, तो आप समझ सकते हो कि माशाल्लाह इनकी पलाई कैसी रहेगी। और बाकी कैल्शियम वाइमरल ये सब तो मैं देख रहा हूँ देते जाते हैं लोग, यहाँ के पानी में बहुत ताकत है यार। पानी अच्छा, पानी और हवा जो है ना, मेरे को लगता है कोरोना क्या उसके ऊपर वाली बीमारी भी आएगी ना तो भी इंसान को ताकत रहेगी। कोरोना आया तब भी हमारे तो सारी फैमिली को मतलब जुकाम तक नहीं हुआ। सही है, नहीं यहाँ की हवा में बहुत शिफा है, और यहाँ का पानी और खाना जो है आपके इधर का बिल्कुल सारा काम देसी है, इम्यूनिटी एकदम बूस्ट करेगी एकदम जबरदस्त। निकलते अपन, ठीक है चलो। पूरे गांव में इकलौती है बाकी बुलेट आश्रम के पास ही है, बाकी किसके पास नहीं है, 30 किलोमीटर तक किसके पास नहीं है। सो अभी हम लोग निकल चुके हैं, अभी ऑलमोस्ट रास्ते पे भी हम लोग हमारे के भाई शायद से आने वाले ना। हाँ बिल्कुल भाऊ भाई अभी मिलेंगे, एक भाई आएंगे तो फिर ज़्यादा कुछ बात अभी करेंगे नहीं, डायरेक्ट जाके आपको बकरे दिखाएंगे, ऑलमोस्ट आपके गड्ढे बहुत ज़्यादा है तो दिखा के भी कुछ यूज़फुल नहीं रहेगा, बाकी एक रास्ता बता देता हूँ। एक किलोमीटर है यहाँ से गेट तक जाने के लिए, आशाराम के घर से गेट तक जाने के लिए। आश्रम भाई के घर पे आने के लिए ऑलमोस्ट गेट से लेके घर तक आने के लिए 1 किलोमीटर का रास्ता चल के आना पड़ता है, जैसे आप देख सकते हो वो लेडीज लोग जा रहे हैं वैसा, यहाँ से लेके गेट तक 1 किलोमीटर का सफ़र है। बाकी ये पूरी जगह आश्रम की है, ये घर आश्रम का है पूरा। आज हम इस घर में रुके हुए हैं, माशाल्लाह आप देख सकते हो सीलिंग की हाइट भी देख सकते हो, ऑलमोस्ट 15 से 16 फुट ऊपर है। जो बकरे पालते हैं वो ये साइड में, घर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आएगी ना, उधर से आएगी कि इधर से आएगी, ऊपर से घूम के आएगी। अच्छा तो उधर ही खड़े रहता ना फिर मैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता भी दिया था वीडियो में कि ये बकरी जो है इंसानों के साथ ज़्यादा रहती है, देख सकते हो आप आश्रम भाई की फैमिली के साथ में आश्रम भाई के रूम तक ये जाएगी बकरी, बाकी यहीं रहती है, बकरों में नहीं जाएंगी।
एकदम लाडली हो जाएंगे आशारम भाई तुम्हारी फिर बाद में। लाडली है इसलिए लाडली हो जाएगी। नाम रखे इसका? नाम तो कुछ नहीं है साहब। इतने बकरे कभी नाम नहीं रखे ना? नाम रखा था पहले, बाकी इस बार नहीं। ये लाडली है, लाड भाई नाम है इसका। लाडली है, लाड भाई नाम है इसका। दिखा ना थोड़ी सी। आशारम भाई ये साल देवनार आने का कुछ प्लान है तुम्हारा? साहब मैं आया नहीं हूँ, बाकी बम्बई पूना घूमने जरूर आऊंगा। देवनार पे टाइम पे आऊँ या ऐसे बकरे लेके आया करो ना, बड़े बड़े जो घर पे है वो। बकरों के लेके यहाँ से ही बिक जाते तो आने की जरूरत नहीं पड़ रही है तुम्हारे को। बस सबसे बड़ी अच्छी लेन थोड़ी है। हाँ भाई आप भी आते थे ना देवनार में? हाँ हम तो देवनार में खूब गया, और बकरा खूब बेचता था बम्बई में। अच्छा देवनार मंडी में और खूब जाओ था। अभी नहीं? अभी नहीं, अभी यहाँ से, अभी यहाँ से सेल होने लग गया। और ये आशारम भाई है ना, ये इनका हमारा अच्छा सम्मान मिल गया, इस वजह से हम यहाँ से सेल होता है। उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। सही है, वहाँ पे तकलीफ होती थी आपको? हाँ बहुत गर्मी लगती थी, बहुत वो परेशानी आती थी। अभी यहाँ से जगह पे से ही बिक जाते आपके? ये बच्चा 13,000 में है फॉर सेल के लिए। खानदानी धंधा है क्या? दूसरा है कुछ? हाँ ये बकरी बकरा का हमारा जो मैं तो जब से पैदा हुआ ना, जब से हमारा मात पिता के पास में यही धंधा था, छेड़ी बकरी का ही धंधा करा है सब परिवार वालों ने भी। तो इसके ऊपर ही आपका चलता है? हाँ इसके ऊपर ही, अभी तो सब अपनी जमीनों में समय आदि पाती देता है, और सब ये आशाराम भाई हम सब खेती में ध्यान नहीं देता हूँ, और ये बकरी पे ही ध्यान है। बकरी सब कुछ इससे, दाल रोटी मल रही है इससे ही। सब कुछ बकरी है हमारे लिए। तो खेती वगैरह नहीं करते? कुछ नहीं है, खेती पे ध्यान नहीं देता। खेती दे रखी है जो बेचारे जिनके पास खेती भी नहीं रहती है ना, बकरी भी नहीं रहती, तो उनके लिए खेती करने के लिए दे रखी है। वो करता है साल भर, आधी हमारे लिए देता है, आधी वो ले जाता है। आशारम भाई लेकिन दादा करके इधर के लोग खाली इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है ना? आप बकरियां भी पालते हैं, मतलब बकरियों ज्यादा पालने लग गए, सबका ध्यान हो गया, लेकिन वो क्वालिटी भी बहुत कम जगह देखने मिलती है जैसे आपके पास कम भाई। बहुत से लोग हैं जो बिना मतलब भी परेशान हो रहे हैं अभी तक भी। नहीं मैं खुद लाइव रास्ते पे भी आते आते देखा ना, जो जंगल में चरवाने भी लेके जाते, ऐसे बकरे बहुत कम जगह देखने मिलते, और ऐसे बकरे जो है ना वो बाहर भी नहीं निकालते, अंदर ही अंदर घुमा के चराते। आशारम भाई आपका भी पूरा कारोबार इसी ऊपर चलता है? हमारे खेती भी है, दे रखी आदि होती है, बकरियां चलती है, बेचते हैं, सेल खरीदता है। ये बकरी की देन है। सही है, गाड़ी घोड़ी सब इसी का। आशारम भाई का ये मकान गाड़ी घोड़ी सब कुछ इनकी देन है। अभी भी 65 लाख से लेकर 70 लाख की जमीन अभी आशारम भाई ने खरीदी है कोटा में। हाँ कोटा में इस जानवर के ऊपर, इस जानवर का धंधा करके। लेकिन वो पेशे से ये भी है ना, शिक्षक है ना? हाँ शिक्षक है ना। तो फ्रेंड्स ये जो बकरे देखते हो आप सारे, वो ये लोकेशन है, इनका जो ब्रीडर है वो दिखा नहीं पाऊंगा, बाकी सारे बकरे आपको वीडियो में तो देख चुके रहेंगे। ब्रीडर का सिर्फ चेहरा देख लो। अभी हाल फिलहाल में सबसे बड़ा बकरा है आशारम भाई के पास में, इसकी सिंगल वीडियो बना दिया, बहुत बड़ी फ्रेम का है। भैंसे काफी है, ऑलमोस्ट 7-8 भैंसे है।
काफ़ी बड़ी जगह, जहाँ तक मतलब वीडियो भी नहीं कैमरा भी नहीं जाएगा ना वहाँ तक इनकी जगह है। लेकिन बाउंड्री काफ़ी नज़दीक में, क्योंकि ये बकरे चराने छोड़ते इसलिए। बाकी शॉर्ट एंड स्वीट ये वीडियो में यही कंप्लीट करता, बाकी ऐसा कुछ खास ये वीडियो में दिखाने का जो था घर उनका वो तो हमने दिखा दिए, आजू बाजू की सराउंडिंग दिखा दिए, तो मैं वीडियो यही एंड कर देता हूँ। थैंक यू।